भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कांग्रेस और भाजपा के अलग अलग दावे हैं। इन दोनों पार्टियों की केंद्र से लेकर राज्य तक की सत्ताओं में बैठे लोग भारतीय व्यवस्था में फैले हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कितना संजीदा हैं, यह आंकड़े बोल रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों में भ्रष्टाचार को लेकर भारत की स्थिति निरंतर गिरती जा रही है। यह रिपोर्ट भ्रष्टाचार मिटाने के दावे के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई सरकार के दावों की पोल खोल रही है। राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस और भाजपा के दावों की पोल सोमवार को राजस्थान विधानसभा में पुलिस जेल और भ्रष्टाचार के विषय पर हुई बहस में खुली। सुरभि विधायक संयम लोढ़ा ने आंकड़े पेश करके यह बताया कि पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार की भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति में कितनी सच्चाई थी। इसी दौरान चौमू के विधायक रामलाल शर्मा ने आंकड़े पेश करके अशोक गहलोत सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस के दावों की पोल खोली। भ्रष्टाचार के राक्षस की जान तोते में है। एग्जीक्यूटिव पावर होने के कारण सरकारी सिस्टम में ये तोते अधिकारी और कर्मचारी हैं। यह बच गए तो यह राक्षस जिंदा रहेगा। इन सरकारों ने यही किया है। अभियोजन स्वीकृतियां अपने हाथ में रखकर भ्रष्टाचारियों को बचाने की कोशिश की है। अखबारों की कुछ कटिंगे केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक भ्रष्टाचार के राक्षस को जिंदा रखने के लिए तोतों को बचाने की भाजपा और कांग्रेस की मशक्कत की पोल खोलने में काफी है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, इसे लेकर देश भर में हाहाकार मचा हुआ था। इसके अगले ही दिन केंद्र की मोदी सरकार द्वारा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में संशोधन करने को लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता की थी। 9 नवंबर को इस पत्रकार वार्ता में केंद्रीय मंत्री ने बताया था कि अब किसी अधिकारी पर सीबीआई या जांच एजेंसी बिना सरकारी अनुमति के भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर सकेगी। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस बिल का ड्राफ्ट यूपीए सरकार में 2013 में बना था, वही सरकार जिसके दौरान लोकपाल की मांग और भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन पर सवार होकर वर्तमान मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी। राजस्थान में भाजपा की वसुंधरा राजे सरकार एक कदम और आगे गई। आपको याद होगा 2017 में वसुंधरा राजे सरकार में काले कानून को लेकर हंगामा हुआ था। वसुंधरा सरकार क्रिमिनल लॉ राजस्थान अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2017 लेकर आई थी। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि नौकरशाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकेगी। इतना ही नहीं, इसकी रिपोर्टिंग भी नहीं की जा सकेगी। कांग्रेस ने भी इसे काला कानून बताया था। अब अशोक गहलोत सरकार भी अभियोजन स्वीकृति के मामले पर पुरानी सरकारों के नक्शे कदम पर चल रही है। वैसे मोदी और वसुंधरा सरकारों की तरह अशोक गहलोत सरकार भी भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहते थकती नहीं है, लेकिन खुद भाजपा ने विधानसभा में इस बात की पोल खोली कि कैसे उनकी सरकार ने भी भ्रष्टाचार के मामले में फंसे कई अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृतियां नहीं दी है। भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा और कांग्रेस की जीरो टॉलरेंस की हकीकत सार्वजनिक है। कांग्रेस निर्भया कांड के बाद बलात्कार के मामले में 90 दिन में जांच करके चार्जशीट पेश करने का कायदा लागू कर सकती है। भाजपा एक दिन में 20 साल पुराने नोट बदल सकती है। तो क्या यही सरकारें हर दिन देश की व्यवस्था का बलात्कार करने वाले काले धन के पोषक भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ 90 दिन में जांच करके चार्जशीट दाखिल करने और उन्हें शीघ्र सजा दिलवाने के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालय में ट्रायल चलाने की का कायदा लागू नहीं कर सकती है? कर सकती हैं, लेकिन ऐसा इसलिए संभव नहीं है कि इन मुख्य राजनीतिक पार्टियों में इसकी इच्छा शक्ति नहीं है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहने वाली हर सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार खत्म होने की बजाय साल दर साल विकेंद्रीकृत होकर राजधानी से जिलों, जिलों से तहसील, तहसील से ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायतों से गांवों में पहुंच चुका है। और नतीजा ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आंकड़ों के रूप में हम सबके सामने है। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता बहुत केसेस का बता रहे थे, मैं निवेदन करूंगा आप। बीजेपी की सरकार ने 2014 में डीओपी के 9 और दूसरे डिपार्टमेंट के 52 ऐसे केसेस थे जिसमें एसीडी ने आपसे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी और आपने नहीं दी।
2015 में अदर डिपार्टमेंट्स के 45 और डीओपी के 24 69 केसेस ऐसे थे जिसमें आपने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन एसीडी को नहीं दी। 2016 में माननीय सभापति महोदय अदर डिपार्टमेंट्स के 59 और डीओपी के 9 68 केसेज ऐसे थे जिसमें एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मांगी और बीजेपी की गवर्नमेंट ने नहीं दी। 2017 में अदर डिपार्टमेंट के 23 और डीओपी के 3 26 केसेज ऐसे थे जिसमें वसुंधरा की सरकार ने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट को अभियोजन स्वीकृति नहीं दी और 2018 में भी 28 ऐसे केसेस थे और ये भी कोई आप नाम गिना रहे थे, कोई छोटी मोटी मुर्गियां नहीं थी। आप नाम सुन लीजिए, रुचा के नाम पढ़ देता हूं, ज्यादा तो नहीं बोलूंगा। गिरिराज सिंह आईएएस, गोपाल राम स्वामी आरएस, सावरमल वर्मा आरएस, भूधर राम तवर एक्सीएन, जेपी के जाखट माइनिंग इंजीनियर, फिर एसडीएम एएन सीओ एसी आरएस एडिशनल कलेक्टर एसडीएम। तो आप क्या कर रहे थे, गंगा मैली कर रहे थे या गंगा साफ कर रहे? जब सरकार में बैठे हुए हो तब तो आपके कर्म इस तरीके के हैं। 244 ऐसे मामले हैं जिसमें इन बेचारे अधिकारियों ने रात दिन टपड़े तोड़ तोड़ के पकड़े होंगे, किए होंगे, कागज बढ़ाए होंगे, आपने ये क्या किया? इस तरीके से राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ नागरिकों की लड़ाई को 5 साल कमजोर करने का आपने काम किया। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, सिर्फ राजस्थान के हमारे अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की हो तो एक अलग विषय है। खाली एक महीने नवंबर के 20 दिनों में हमारे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यूनियन ऑफ इंडिया के 9 अधिकारियों को पकड़ा है, सिर्फ 20 दिनों। सदस्य या तक आवाज आ रही है, से आप अंदाजा लगाइए कि लोगों की इस पीड़ा का समाधान करने की दिशा में किस तत्परता और किस लगन से भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के अधिकारी माननीय सभापति महोदय लगे हुए हैं। लेकिन सभापति महोदय, दूसरी अभी विधानसभा में मैंने सरकार से पूछा कि 2015 के बाद में कितने ऐसे राजस्थान प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनको इस सरकार ने अभियोजन स्वीकृति देने के लिए मना किया, और उन आंकड़ों के अंदर सभापति महोदय 9/10/2020 को राजस्थान के एक प्रशासनिक अधिकारी की अभियोजन स्वीकृति देने से सरकार ने मना किया, 7/9/2020 को एक राजस्थान के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने से सरकार ने मना किया, 20/9/2019 को भी एक प्रशासनिक अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने के लिए मना किया, 18/6/2019 को भी सरकार ने एक राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति देने के लिए मना किया। तो सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य चीख चीख के ये कह रहे थे, और उन्होंने 15 से लेकर 18 तक तो बोला, लेकिन उन्होंने 18 के बाद में 19 और 20 का जिक्र क्यों नहीं किया? सिर्फ सदन में सनसनी पैदा करना उनका मकसद था। और सभापति महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कैसा काम कर रही है इसका प्रमाण पत्र हमें देने की आवश्यकता नहीं है, इसका प्रमाण पत्र तो सांगो से आने वाले मान्य सदस्य ने कई बार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखे कि कोटा के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है, इस गंगा को कब रोकने का आप काम करोगे।